नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है RPR एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में, कुल पद 94,000 के बारे में। तो जिसके लिए आप लोग का 15 से आवेदन स्टार्ट होने जा रहा है। नोटिफिकेशन आप लोग का ऑफिशियल तौर पे आ चुकी है, तो यहाँ पे स्पेशल आप लोग को बताएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आज एक अपडेट आई हुई है, सितंबर 2019 तक TT और STT पास के लिए बिग अपडेट यहाँ पे आई हुई है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक जानकारी शॉर्टकट तरीके से देने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने न्यूज़ और अपडेट पे आ चुके हैं। आज ही का लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट दैनिक भास्कर न्यूज़ के माध्यम से प्रकाशित होकर आ रही है, कुछ इस प्रकार से आप लोग अपडेट को देख पाएंगे। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि सितंबर 2019 तक TET या फिर STT पास 18 माह के DL EDवाले ही शिक्षक नियोजन में हो सकेंगे शामिल। तो ध्यान देंगे आप लोग, जिन्होंने 2019 में TET या फिर STT पास किए हैं, साथ ही साथ 18 माह के नॉइस से जो है DL EDकिए हैं, उनको इस शिक्षक नियोजन में जो है शामिल होने का मौका दिया गया है। ये साफ किया है शिक्षा विभाग ने, ये पूरी जानकारी दिया है। आइए और क्या जानकारी आज प्राप्त हो रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो NIOS से 18 माह का DL EDकोर्स करने वाले वैसे जो है अभ्यर्थी ही प्रारंभिक शिक्षा नियोजन में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने जो है सितंबर 2019 तक STT या फिर TET पास कर लिया है। साथ ही साथ STT का जो है रिजल्ट दिसंबर 2019 में आया था, इसमें 18 माह के DL EDकरने वाले लगभग 2000 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए थे। तो शिक्षा विभाग ने जो है साफ किया है कि दिसंबर 2019 में STT पास करने वाले अभ्यर्थी को नियोजन में शामिल होने का मौका नहीं जो है यहाँ पे मिलने वाला है। तो प्राथमिकता शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक की बहाली के लिए सितंबर अक्टूबर 2019 में ही आवेदन लिए गए थे, इसीलिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले TET या फिर STT पास करने वाले को ही यहाँ पे आवेदन का मौका मिलेगा। तो पिछले साल 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए थे। तो इस बार अभी जो आप लोग का 15 से आप लोग का आवेदन लिया जा रहा है, जो कि साफ तौर से हमने आप लोग को पूरी जानकारी दे दिए। तो आप लोग को बता दें, इसी के साथ हमने पूरी अपडेट दे दिए। अधिक जानकारी के लिए इस न्यूज़ की कटिंग को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, और डाउनलोड करके पूरी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। आशा करेंगे वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके मन की बात कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।